नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ टीशा जैन। चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोप लगाए हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, टारगेट किलिंग करना भारत की विदेश नीति में नहीं है। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आरोप झूठे हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दरअसल ब्रिटिश अखबार ने अपनी खबर में लिखा, भारतीय और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स ने द गार्डियन को बताया कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान में कई लोगों की हत्या की। यूएन जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि किसी भी ग्लोबल बॉडी को हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में चुनाव कैसे होना चाहिए। मेरे साथ भारत के लोग हैं। भारत के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। विदेश मंत्री जयशंकर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में लोकसभा चुनाव के लिए अपने मंत्रिमंडल सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार के दौरान यूएन की टिप्पणी का जवाब दिया। ताइवान में 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद 2 भारतीय लापता बताए जा रहे थे, दोनों अब सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, भूकंप के बाद 2 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, अब उनसे बात हो गई है और दोनों सुरक्षित है। ईरान में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला दक्षिण पूर्वी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में 2 जगह रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हेडक्वार्टर पर किया गया। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 11 ईरानी सैनिक और 16 अन्य लोग शामिल है। यह हमला बुधवार रात को हुआ था। हमले को जैश अल हदल के आतंकियों ने अंजाम दिया। ईरान के डिप्टी आंतरिक मंत्री माजिद मीरा हमादी ने बताया कि आतंकी चाबहार में मौजूद बॉर्डर गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर कब्जा करना चाहते थे, हालांकि वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। विद्रोहियों ने दावा किया है कि यमन में अमेरिकी और ब्रिटिश हवाई हमलों में 37 लोग मारे गए, वहीं 30 लोग घायल हुए। हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि यमन में करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। कुछ दिनों पहले इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर हमले किए थे। अमेरिकी और ब्रिटिश की ओर से फरवरी से लगातार हुती विद्रोहियों पर कार्रवाई की जा रही है। हुती विद्रोहियों के हमलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। लाल सागर की ओर से यात्रा करने वाले कई जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास लंबी यात्रा करनी पड़ रही है, जो काफी महंगी भी है।